समय हम चेनाब ब्रिज पर हैं और उसके बीचों बीच खड़े हैं, और यहाँ पर अगर डेक की बात करें तो डेक का काम पूरा किया जा रहा है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं एक बड़ी ऊंची सी क्रेन है, और ये खास तरीके का अरेंजमेंट है, तो केबल क्रेन है, दुनिया की सबसे ऊंची केबल क्रेन का दर्जा मिला हुआ है इसको, क्योंकि यहाँ पर जो काम किया गया है वो ज़बरदस्त है। और यहाँ पर हमारे साथ KRCL के इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरीश कुमार। अमरीश जी, यहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं तेज हवा चल रही ज़बरदस्त तरीके से, जबकि अभी थोड़ा मौसम गर्म हो चुका है उसके बाद ये हालत है, तो यहाँ इस तरीके के मौसम में जो काम किया जाता है उसकी क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोग? परेशानियाँ तो बहुत सारी हैं, जैसे अगर विंड स्पीड हमारी 16 मीटर मतलब पर सेकंड जब तेज़ हो जाती है हमारा काम रुक जाता है। ये पूरा जितना भी हमारा केबल क्रेन से सारा काम, जितना भी हमारी आर्च इरेक्शन या पीर इरेक्शन हुआ है, वो सारा हमारा इस केबल क्रेन से हुआ है। तो जैसे ही हवा से हवा ज़्यादा हो जाती है तो हम काम रोक देते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा हर्डल हुआ इस चीज़ में। लेकिन जैसे अब जैसे हवा कम हो जाएगी तो उसके बाद हम आगे काम कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो हमने सारा काम कर दिया है, तो अभी हमारा जो काम है वो डेक का है और वो पीछे हमारी वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का आज अभी के डेट में। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं भारी भरकम स्ट्रक्चर है, लेकिन हवा का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि ये स्ट्रक्चर हल्का हल्का सा हिल रहा है, यानी इसमें मूवमेंट है, यानी डिफ्लेक्शन है, हल्का सा मूवमेंट है, और जिसको मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये हवा के साथ झोंकों के साथ इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ पर जिस तरीके की कंडीशंस हैं उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया, कितना डिफ्लेक्शन ये ले सकता है? अभी तो फिलहाल इस हवा से इस पर कोई असर नहीं है, ऐसे जो डिज़ाइन किया गया उसमें हमने 266 मीटर पर सेकंड गेस्ट विंड के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस हवा से इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें इस हवा से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हवा कितनी तेज़ हो जाए, यानी 260 KMPS से भी ऊपर अगर हवा चलती है तो इस पुल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें एक और ख़ास चीज़ है, इस पुल को ख़ास तरीके के पेंट से रंगा गया है, और इसका रंग आप देख सकते हैं जो यहाँ पेंटिंग की गई है या पेंट जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये RDSO अप्रूव्ड स्कीम्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। ये जो पेंटिंग हमने यूज़ की है ये पॉलीयूरेथीन पेंट है, इसको हमने क्रोजन प्रोटेक्शन करने के लिए हमने 3 लेयर पे इस पर पेंटिंग की है। जो सबसे पहला लेयर है हमने इस पर प्राइमर किया है, वो 150 माइक्रोन्स का प्राइमर किया है। उसके बाद हमने इस पर सेकेंड लेयर की है जिसको हम बोलते हैं माइकेसिस ऑरन ऑक्साइड, उसका हमने सेकेंड लेयर किया 100 माइक्रोन्स का वो किया है। फिर उसके बाद हमने टॉप कोट किया है पॉलीयूरेथीन पेंट का और वो ऑलिव ग्रीन कलर हमने उसको रखा है, और ये टोटल जो माइक्रोन्स है वो 300 माइक्रोन्स का हमने इस पर पेंटिंग किया है। ये पेंटिंग 3 लेयर्स में करने का हमारा ये था कि क्रोजन प्रोटेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस डेक को स्टील पार्ट को मिले, इसलिए हमने ये स्पेशलाइज्ड पेंटिंग हमने इस डेक के लिए यूज़ की है। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड पेंटिंग इस्तेमाल की गई है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसको दिखाए। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ख़ास तरीके का पेंट है 300 माइक्रोन का, और 3 लेयर में ये पेंट किया गया है, और इसको जो कलर दिया गया है एक ख़ास तरीके का रंग दिया गया है जिससे आसपास की जो ग्रीनरी है उसके बीच में अगर आप दूर से इसको पहचानना चाहें तो आसान ना हो। तो यहाँ जो पेंट दिया गया है उसके पीछे वजह है, RDSO अप्रूव्ड है, साथ ही साथ DRDO ने भी इसको अप्रूव किया है। क्यों? इस वजह से क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, नम हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से स्टील में हम कह सकते हैं कोरोजन ना हो, यानी जो उसका उसके साथ रिएक्शन होते हैं और उसके बाद क्षरण होता है। ख़ास तौर पर स्टील के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि लोहे में जंग लग जाती है, तो वो जंग ना लगे, और इस वजह से इसको इस तरीके का रंग दिया गया है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, चेनाब ब्रिज।